now. Yes. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में ऐसा सांप है जो सांप काटने से पूरे पैर या जिस स्थान में काटे उस अंग को धीरे धीरे गल जाता है और उस अंग को बहुत ज्यादा जो है गैंग्रीन हो जाता है। इसके कारण कभी कभी पैर काटना भी पड़ सकता है, ऐसा अक्सर हम देखें। और यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट भी आया, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से भी बहुत सारे मरीज आए। लेकिन आज हमारा पास एक मरीज आया हुआ पेशेंट उड़ीसा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट आज जहाँ पर ये नारसल वाइपर बाइट किया है, इन्हें काटा है इंडिया का मोस्ट वेनोमस स्नेक कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा। और हम जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा बिग साइज का कोबरा उड़ीसा में पाया था। उड़ीसा में कोबरा एक एक पांच पांच छह छह फीट कोबरा पाया था, स्पेक्टिकल कोबरा, मोनोकोल कोबरा। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं गए कि मोनोकोल कोबरा भी रसल वाइपर जैसा गल सकता है, वहां गैंग्रीन होता है और इतने ज्यादा तेजी से नेक्रोसिस होता है। इनके भी ऐसे ही पैर हुआ था, वो बालेश्वर स्नेक बाइट के बाद एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद 8 दिन के बाद इनका पैर गलना स्टार्ट हो गया। अब उड़ीसा कौन जगह में पहले आपको भर्ती हुआ था? पहले बालेश्वर जिला, बालेश्वर में, बालेश्वर रेफर कटक, कटक और कटक रू हुआ पर कटक कई दिन थे? 7 दिन। 7 दिन पूरा? 7 दिन पूरा ये गोड़ा মানে এরকম ফুলি গেল, টলা টলা উঠে গেল ফার্স্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ, পোকা পোকা উড়ে গেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর পর পর হ্যাঁ। तो दोस्तों देख लीजिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि स्पेक्टिकल कोबरा काटेगा तो आपका पैर गैंग्रीन होगा, नहीं। ये डिपेंड करता है जो सांप बाइट करता है कितना मिलीग्राम आप में जहर छोड़ा। स्पेक्टिकल कोबरा में 12 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर जहर जाएगा तो ही हमारा बॉडी में इफेक्ट करता है। लेकिन गैंग्रीन जो है 12 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम का बात नहीं होता, कभी कभी 25 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम का ज़्यादा जब जहर जाता तब वहाँ पर गैंग्रीन होता है। और खास करके अगर आप पैर में कोई रस्सी से बांध देते हैं और तेजी से वो गलने लगता है। और सोच लीजिए, कभी कभी स्पेक्टिकल कोबरा या मोनोकोल कोबरा रसल वाइपर से और तेजी से गलता है और गलने के साथ साथ वो अंग में जो आपका टिश्यूज को पूरी तरह डैमेज कर देता है, कभी कभी पैर जो काटना पड़ सकता है। लेकिन ये लोग वहाँ 8 दिन के बाद कटक, उड़ीसा कटक जिला से ये लोग वहाँ से पता चला, वो यहाँ आए हैं झारखंड और यहाँ इलाज लगभग 4 दिन से इलाज चल रहा। और पैर का जो स्वेलिंग था बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वेलिंग था, पैर से स्वेलिंग भी खत्म हो गया और इस पैर को यहाँ ऑपरेशन हो गया और पूर्ण रूप से अभी बेहतर है। और हम लोग यहाँ रखेंगे 10 से 15 दिन और बेहतर करके पूरी तरह पूर्ण रूप से स्वस्थ करके इनको उड़ीसा भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात है, उड़ीसा में जितने भी भाई बहन जितने भी हमारा देख रहे हैं, अब सभी को अनुरोध है कि कभी सांप काटे चाहे रसल वाइपर पर चंद्रबोड़ा या ये नाग, उड़ीसा में नागो सांपों को चुनते, ये सांपो जितने अपन कामड़ी में सही कौन सी रस्सी बा दौड़ी देखिए आपने बांधी होनी, बांधी ले से गुड़ाटा पची जी। इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ, अक्सर मैं बताता हूँ भारत में किसी भी सांप काटे जो पुराना जमाना में प्रथा था कि वहाँ रस्सी बांध देना, ब्लेड से काट देना, ये सब पूरी तरह गलत है। अगर ब्लेड से आप काट देते उसका जो बाइट मार्क होता दांत का जो निशान है वो निशान मिट जाएगा, उसके बाद आपको पता नहीं चला, डॉक्टर उसको डायमीटर से पता नहीं कर पाएगा कि कौन सा सांप बाइट क्या है। तो दोस्तों आप चलिए आपको हम दिखाते हैं स्पेक्टिकल कोबरा, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जितने भी उड़ीसा के जितने भी हमारा दर्शक हमारा फॉलोअर्स देख रहे हैं, ये बालेश्वर सर आपको नाम कौन? श्री हरिमाल, हाँ ये बालेश्वर कौन जा रहा है नाम नाम आप भीमपुर ना, ये अपन कौन थाना पड़ोगे? कुसुमुड़ी। तो जे आप भाई मैंने देखुंत आप सबिस्ता को अनुरोध करुच्छी आप दुआ करते भगवान सहित पाखे काका मैं एक ठीक है कि आप ओडिशा जीवे और आप परिवार सहित फिर जिंदगी बीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।